खबर दिल्ली से है। हरियाणा कांग्रेस हार पर आज फिर मंथन कर रही है। थोड़ी देर में ही समीक्षा बैठक शुरू हो जाएगी। समीक्षा कमेटी की ये दूसरी महत्वपूर्ण बैठक है। दिल्ली में नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। सब हारे हुए उम्मीदवारों की दिल्ली में बैठक है। करण दलाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विस्तार से चर्चा की जाएगी, हार की वजह क्या रही, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि शमशेर सिंह गोगी का बयान बेहद चर्चाओं में है। जिस तरह से उन्होंने कहा था हार के विषयों की जांच होनी चाहिए, तो अब जांच हो रही है। तमाम हारे हुए उम्मीदवारों को बुलाया गया है। अब देखना ये होगा कि हारे हुए उम्मीदवारों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, किस नतीजे पर कांग्रेस पहुंचती है, और कांग्रेस में जिस तरह से अभी एक दूसरे पर वार पलटवार देखने को मिल रहा है, इसके क्या नतीजे रहते हैं। कांग्रेस से गुटबाजी जिस तरह से चर्चाओं में रहती है, क्या अब हार के कारणों की जाँच के दौरान भी वही गुटबाजी देखने को मिलेगी। हरियाणा कांग्रेस हार पर मंथन करेगी आज फिर। महत्वपूर्ण बैठक समीक्षा कमेटी की होनी है, ये दूसरी बैठक है। तमाम हारे हुए उम्मीदवारों को बुलाया गया है। हारे हुए उम्मीदवारों से चर्चा ये की जाएगी, हार के कारण क्या रखे, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं पार्टी में उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और अब देखना ये होगा कि नतीजे तक कब तक कांग्रेस पहुंचती है। एक तरफ तो देखिए हार के कारणों की समीक्षा में कांग्रेस जुटी है, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा भी गंभीर होता जा रहा है, इसको लेकर भी बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस द्वारा बनाई गई कमेटी की दूसरी बैठक आज है, और आज काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि तमाम जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का ये वार रूम है, और यहाँ पर जो विधायक हैं, जो कि मेंबर्स हैं, और तमाम जो चेयरमैन है वो अंदर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में ये बड़ी बैठक शुरू होगी। करीबन 62 से 63 जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनको कमेटी के द्वारा दिल्ली तलब किया गया है, और तमाम जो नेता हैं हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू है। पर खबरें अभी तक से शमशेर सिंह गोगी, जो कि पूर्व विधायक है, उनकी फोन पर बात हुई है, वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। शमशेर सिंह गोगी वही नेता है जिन्होंने कमेटी पर सवाल या निशान उठाए थे। उन्होंने कहा था कि हारे हुए प्रत्याशी ही कमेटी में जाँच कर रहे हैं, तो ऐसे में शमशेर सिंह गोगी इस बैठक में नहीं पहुंचेंगे, और अब से कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ तो कुछ ही देर में देखिए हार पर समीक्षा के लिए ये बैठक होने वाली है। दिल्ली में नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। कांग्रेस के तमाम हारे हुए उम्मीदवारों को इस बैठक के लिए बुलाया गया है। इसमें चर्चा की जाएगी कि हार के पीछे वजह क्या रही, हार के पीछे कौन जिम्मेदार है, अलग अलग सीटों पर हार को लेकर मंथन किया जाएगा, जिस तरह के आरोप पार्टी के नेताओं की तरफ से लगाए गए हैं उसको लेकर ये चर्चा महत्वपूर्ण है। खबरें अभी तक के संवाददाता दिल्ली से राजा पटेल ने देखिए बातचीत की है कांग्रेस नेता से, क्या कुछ बातचीत करते नजर आए हैं आप देखिए। मंत्री और वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर बड़ी बैठक सर आज, और आप वरिष्ठ नेता हैं सर, क्या फीडबैक आज बताया ना मैंने अभी बता दिया आप सबको, तो बता दिया अभी बैठ के बात करेंगे जी, और फिर जो निष्कर्ष निकलेगा उसको आगे फिर उस पर मंथन करके और कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे, पर एक बड़ा मंथन अब से कुछ देर में कांग्रेस का दिल्ली में देखने को मिलेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने देखिए बातचीत की है, और उन्होंने कहा है कि अभी बैठेंगे, बैठकर चर्चा करेंगे, और चर्चा का विषय यही है कि कांग्रेस की हार के कारणों के पीछे वजह क्या रखी है। वजह फिलहाल तलाशी जा रही है, कांग्रेस की हार को लेकर चर्चा की जा रही है। महत्वपूर्ण ये है कि लगातार एक तरफ तो कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस की हार को लेकर बयान देते नजर आ रहे हैं, दोनों ही पार्टियों के नेताओं की तरफ से हार को लेकर बयान दिए गए हैं। इसी बीच अब कांग्रेस समीक्षा कर रही है, समीक्षा करने के लिए कमेटी की ये दूसरी बैठक है। तमाम हारे हुए उम्मीदवारों को बुलाया गया है, इनसे चर्चा की जाएगी हार के कारणों को लेकर। विस्तार से ये चर्चा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक हारे हुए उम्मीदवार से चर्चा की जाएगी हार के कारणों को लेकर। अब हार के कारणों तक कब तक पार्टी पहुँचती है, कब तक स्पष्ट होता है कि पार्टी को क्या लगता है हरियाणा में हार के पीछे वजह क्या रखी। इसी बीच अगर हम कांग्रेस के नेताओं के बयानों की बात करें,
तो कांग्रेस के नेता बहुत ही कॉन्फिडेंट थे इस बात को लेकर कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की प्रचंड जीत हुई इसके बाद हार के कारणों पर समीक्षा शुरू हो गई और साथ ही साथ ऐसे बयानों की भी एक बौछार देखने को मिली जिसमें कहा यह गया कि हार के कारणों के पीछे पार्टी के ही कुछ नेता जिम्मेदार थे। अब जिस तरह से शमशेर सिंह गोगी का बयान आया उसके बाद अब देखना यह होगा कि आज की चर्चा कितनी महत्वपूर्ण रहती है।